उनको ईडी के दफ्तर ले जाया जाना है और वहां पर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं और कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच रहे हैं। पुलिस ने धारा 144 लगा दी है, पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है, पुलिस उनको वहां से खदेड़ने की कोशिश कर रही है। पीछे के दरवाजे से काफी लोगों को पीछे धकेल भी दिया गया है, लेकिन आगे की तरफ लोग सड़क पर बैठ गए हैं, सड़क जाम कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में वहां से ले जाए जाएंगे, ईडी के दफ्तर ले जाए जाएंगे। ईडी के दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये आज की रात सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, ऐसे ही आसार दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी आम आदमी पार्टी, लेकिन आज की रात सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के आसार बहुत कम दिख रहे हैं। यानी अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई होती भी है तो वो भी कल ही होगी। अरविंद केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में के तहत गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये कानून सख्त है, याद कीजिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, तब एक उस आंदोलन से पार्टी बनी थी, उस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उस पार्टी के चुनाव लड़ने के बाद उस पार्टी के मुखिया मुख्यमंत्री बने थे और अब वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के ही आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ये कानून सख्त है। इस कानून को लेकर भी बहुत बात हुई थी, लेकिन जब आंदोलन चल रहा था तब यही कहा जाता था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कानून है वो इतने लचर हैं कि जो भी नेता लोग भ्रष्टाचार करते हैं वो कानूनों की वजह से बच जाते हैं, इसलिए कानून सख्त होने चाहिए। कानून सख्त हो गए और जिन्होंने कानून सख्त बनाने की मांग की थी और उस ऐसी सख्ती की मांग की थी कि नेता अगर कुछ करे तो आरोप लगने पर भी वो छूट ना पाए, वो जिन लोगों ने मांग की थी वो लोग अब खुद गिरफ्तार हो रहे हैं उन कानूनों में। ये आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस पार्टी ने लड़ा था, जिस ग्रुप ने लड़ा था, जिस संगठन ने लड़ा था, उस संगठन से बनी पार्टी ही फिर सरकार में जब आई तो उसी के मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरुण सिंह के पास चलते हैं। अरुण, देखिए रास्ता इसको साफ कराया जा रहा है। देखिए किशोर, ये देखिए पुलिसकर्मी पीछे की तरफ जा रहे हैं, वहां पर कुछ लोगों के धरने पर बैठने की खबर मिली है और जैसे ही खबर मिलती है कि कुछ लोग धरने पर बैठे, दिल्ली पुलिस की कई पीसीआर यहां पर आपको दिखाई देगी। देखिए दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर सामने खड़ी है, आपको तस्वीरें में मैं दिखा रहा हूं। दूसरी पीसीआर जो बस पीछे की तरफ की गई, इस रास्ते को खाली कराया जा रहा है पूरे रास्ते को, तो जो बस पीछे जा रही है, देखिए जो तस्वीरों में आप बस देख रहे हैं उसको पीछे किया गया है ताकि रास्ता खाली किया जा सके, मूवमेंट स्मूथ हो सके। तो क्या ये तैयारी, बार बार मैं पूछ रहा हूँ। और देखिए दूसरी तरफ, ये देखिए पुलिसकर्मी यहाँ से जा रहे हैं, काफी संख्या में है, मूवमेंट उनकी लगातार हो रही है। और दूसरी तरफ भी एक पीसीआर दिल्ली पुलिस की खड़ी हो गई है, तस्वीरें दिखाई नीरज तिवारी जी, दूसरी तरफ भी दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर खड़ी हो गई है। इस पूरे रास्ते को अब फिलहाल रोक दिया गया है, देखिए जो गाड़ियां जहां पे हैं वहीं पे खड़ी हैं, मूवमेंट नहीं हो पा रही है। दिल्ली पुलिस इस पूरे रास्ते को अब खाली कराने की जद्दोजहद में है, यानी अब कोई मूवमेंट अंदर से हो सकती है। ये रास्ता जो है अपेक्षाकृत रूप से जिधर जावेद खड़े हैं, रवि खड़े हैं, अमित पांडे खड़े हैं, उससे साफ सुथरा है और कम ट्रैफिक है इस पर, इसीलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि पुलिसकर्मी जिस तरह से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो तैयारी करें। और दूसरी बात, एक सेफ पैसेज हमेशा तैयार रखती है, एक अल्टरनेटिव रूट हमेशा पुलिस तैयार रखती है। तो सामने के गेट से अगर पुलिसकर्मी नहीं ले जा पाएंगे तो ये जो गेट है वो ये है, या हो सकता है इसको ज्यादा सुरक्षित माने तो इस गेट पर। देखिए एक पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी है और महिला कार्यकर्ता को डिटेन करके यहाँ से ले आ रही है। देखिए इन राखी बिड़लान लग रही है मुझे, ये मुझे राखी बिड़लान लग रही है। किशोर, ये राखी बिड़लान है, काफी मुखर रही है विधायक और उनको डिटेन करके यहाँ पर ले जाया जा रहा है। कोई भी एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता जैसे ही यहाँ पर आता है तुरंत पुलिसकर्मी उनको डिटेल करके बस में बैठाते हैं और उनको दूसरी गाड़ियों से जो नजदीक का थाना है वहां पर भेज दिया जाता है। इस बस में भी ज्यादा लोगों को नहीं रहने दिया जा रहा। देखिए राखी बिड़लान यहाँ पर है, कुछ कह रही है, मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, जेल से सरकार चलाएंगे। जो एक केंद्र सरकार चाहती है दिल्ली वालों की योजनाओं को रोकना, हम दिल्ली की सरकार के माध्यम से किसी भी योजना को रुकने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जेल से सरकार चलाएंगे। राखी जी क्यों जेल से? सवाल यही है कि तब बहुत सारी बैठकें करनी पड़ती है मुख्यमंत्री को, बहुत अधिकारियों को मिलना पड़ता है, तब तो सरकार चलती है। जेल में कौन मिलने जाएगा, कैसे परमिशन मिलेगी, कैसे सरकार चलेगी? यही तो षड्यंत्र है
कि दिल्ली के लोगों को जो फ्री बिजली में मिल रही है, जो फ्री पानी मिल रहा है, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य मिल रही है, यातायात के अच्छे संसाधन मिल रहे हैं, उन सब से दिल्ली के लोगों को छूता रखने का प्रयास है। लेकिन दिल्ली की लोगों की किसी भी सुविधा को हम रुकने नहीं देंगे। अरुण पूछिए इनसे, ये तो घोटाले के आरोप है ना, आरोप घोटाले के हैं। राखी हेमंत सोरेन ने भी तो इस्तीफा दिया था। हेमंत सोरेन ने दिया तो घोटाले के आरोप है, घोटाले के आरोप। सरकार नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार इस्तीफा देगी, जो अभी इतना बड़ा आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रोल बोर्ड का सामने आया है। आपने उनसे सवाल पूछा, आप उनसे सवाल पूछे, नरेंद्र मोदी अपनी तानाशाही को कब खत्म करेगा, कब इस घोटालाजात को खत्म करेगा, कब संवैधानिक संस्था का, आपने देखा किस प्रकार से मुझे बलपूर्वक पैर मुड़ गया मेरा, किस प्रकार से यहाँ पर खींच के लेकर आए हैं। दिल्ली की बेटियों को अगर ये सुरक्षा दे, दिल्ली की बेटियों का अगर ये माहौल परिवर्तन करे, तो ये पुलिस उसके लिए ना कि इस प्रकार से चुने हुए प्रतिनिधियों का बलपूर्वक अरेस्ट। आप लोगों को क्या सूचना, अरेस्ट कर लिए गए हैं? देखिए, इनका तो एकमात्र लक्ष्य था, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और मोदी इस वक्त अगर किसी से डरा हुआ है तो वो है अरविंद केजरीवाल। वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप है। देश का सच्चा सिपाही इलेक्ट्रल बोर्ड पर पूछे ना, सर्वोच्च न्यायालय बार बार पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये राखिल बिड़लान है और कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जो जवाब मांग रहा है, हालांकि हाँ, मतलब आरोप अपने आरोपों पर कोई जवाब नहीं दे, जो आरोप आम आदमी पार्टी पर, जो आरोप आम आदमी पार्टी के मुखिया पर लग रहे हैं, उस पर जवाब नहीं आ रहा है। आंदोलन की बात हो रही है, विद्रोह की बात हो रही है, विरोध की बात हो रही है, लेकिन उसका जवाब नहीं आ रहा। और वही ईडी ने भी कहा है कि जो जवाब थे वो इवेजिव थे अरविंद केजरीवाल के, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। यही बात अंदर से निकल के सामने आ रही है। अब उधर जावेद वहां पर मौजूद है, सामने की तरफ जहां पर ज्यादा धरना प्रदर्शन हो रहा है। जावेद, किशोर, जो दूसरी लेन थी सिविल लाइन की, अब वो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाम कर दी है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर धरना कर रहे हैं। अब ये सिविल लाइन की जो पूरी मेन रोड हम कह सकते हैं कि ये जाम हो गई है। ये जरा ट्रैफिक की व्यवस्था भी दिखाएंगे, ट्रैफिक जाम दिखाएंगे राकेश नेगी। ये जो जाम है डीयू की तरफ से आने वाला है, इस सड़क पर कितना ज्यादा जाम लग चुका है ये तस्वीर देखिए। अब मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाता हूँ, क्या किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ये इस तरफ की लेन बंद हो गई है, ISBT से इधर की तरफ अगर आप आते हैं तो ये लेन भी बंद कर दी गई है। दोनों तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। अब ईडी की टीम अंदर है, ऐसे में चुनौती ये होगी कि अगर इस रास्ते से ईडी की टीम को निकालना होगा अरविंद केजरीवाल को, तो यहाँ पहले एक्शन होगा कार्यकर्ताओं। मैं रोक रहा हूँ, जावेद अमित पांडे बुला रहे हैं। अमित, क्या हो रहा है उधर आपके पास? देखिए, यहाँ पर ये जो मेन एंट्रेंस है, स्पेशल CP दिल्ली पुलिस रविंदर यादव यहाँ पर पहुंचे हैं और वो शायद पूरा जो अरेंजमेंट है उसका मुआयना कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, गिरफ्तारी की खबर के बाद दिल्ली पुलिस के ये वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक है, ये यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरीके से जो डिप्लॉयमेंट डिटेल है उन अपने अधिकारियों को ये निर्देश दे रहे हैं। इससे पहले रैपिड एक्शन फोर्स को निर्देश मिल चुका है दिल्ली पुलिस द्वारा, और उससे पहले वरिष्ठ अधिकारी अंदर घुसे थे। तो ये पूरा जो सीक्वेंस है, पूरा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, ये वही इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अब जो किस रास्ते से ले जाना है दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की ये मंत्रणा चल रही है। देखिए, ये अब स्पेशल दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं रविंद्र यादव, स्पेशल CP, और इनके जिम्मे जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब कानून व्यवस्था। तो इस तरफ तो देखिए अमित पांडे जिस तरफ खड़े हैं वहां पर ये दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच चुके हैं। जावेद जहां पर है वहां पर पूरी सड़क जाम हो चुकी है, पीछे की तरफ का रास्ता है जो क्लियर करा रही है दिल्ली पुलिस, वहां पर अरुण मौजूद हैं। अरुण, थोड़ी किशोर मैं आपको थोड़ी सिक्योरिटी डिटेल बता रहा हूँ। यहाँ पर एक बस खड़ी थी जहाँ राखी बिड़लान डिटेन करके यहाँ लाई गई थी, इस बस में वो खड़ी थी। इस बस को देखिए पीछे कर दिया गया, उसके पहले एक बस थी उसको और पीछे कर दिया गया, और यहाँ पर जो बैरिकेडिंग थी उसमें बीच में रस्सियां बांधी गई थी, यानी ये बैरिकेडिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई थी उसको।